तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंजी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। अगर जो मैंने कोरमे में पानी डाला हो तो दुनिया भर के बेगैरतों के साथ मुझे मरना नसीब हो। आमीन। हैं? ओए पहले पैसे पैसा पैसे पैसे ठीक है। अरे होती ना कोई और सांस तो चोटी से पकड़ के कब तक घर से बाहर निकाल देती। दूंगी दूंगी इसे बद्दुआएं दूंगी क्योंकि इसके ही आगे आएगा। चल 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 चल। इंसान किसकी टो में लगा रहता है ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। जो सीरियस होता है ना उसकी कदर करो, बाकी लोगों को तुम देख ही रही हो। चलो ठीक है, कल मैं ऑफिस से वापसी पर तुम्हारे लिए गजरे लेके आऊंगा। अगर ज्यादा ही मोहब्बत जाग रही है ना बीवी की तो फिर एक हल्का सा सोने का सेट दिला दे मुझे बस। अरे अम्मा ने सालन छुपा के तुम्हारे लिए रखा हुआ है, खत्म हो जाएगा फिर। आ जा बस। अरे अभी मशीन चालू करके देख लूं, आता हूं। अच्छा जल्दी आ जाओ, रात का खाना खा के जाएंगे हम लोग यहाँ से। हाँ हाँ खाने के टाइम पे आ जाऊंगा। इशाद इशाद ये जनाना चीख, अरे इसका बेड़ा गरक जाए सतिया नासी कहीं का। मैं समझ रही मशीन ठीक हो रही। अम्मा अल्लाह ये औरत को ले जा। अम्मा अम्मा दिल कबूतर की तरह फड़फड़ा के ना बाहर निकलने को पर तोल रहा है। आप मुझे सीएनजी रिक्शा मंगवा दो। मैंने खुद जनानी चीख की आवाज अपनी कानों पे सुनी है और कानों पे एतबार है मुझे। अम्मा अभी तो तुम कह रही थी रात के खाने के बाद जाएंगे और अभी इतनी जल्दी। अरे अब्बा की इतनी चिंता मत करो, वो औरतों के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। अम्मा दोबारा फोन किया तुमने? अरे मैं फोन कर रही हूँ अम्मा, बैल जा रही, कोई उठा नहीं रहा। मैं जाऊंगी अभी और दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। अशीरी हौसला रख, मेरी बच्ची यूँ आनन फानन जाने की मुतलक जरूरत नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं हुई होगी, और तू तो वैसे भी ऊंचा सुनती है। अम्मा मेरे दिल में जो कुरेद है ना कुरेद, ये मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। ए तोशी चल जा जा के रिक्शा लेकर आ। उठ। मैं नहीं जा रहा, इतनी दूर से मिलता है, टांगों में दर्द हो जाता है मेरी। अहे तेरी टांगों में दर्द हो रहा है ना, मैं खुद जाती हूँ जाके रिक्शा लेकर आती हूँ। अम्मा जा रही हूँ मैं। हाँ सही है, तुम चली जाओ, वैसे भी औरतों से ना अड़ीबाजी नहीं करते रिक्शे वाले। कितनी बेगरत औलाद है, देख रही अम्मा देख। अरे रुक जा शीरी रुक जा, अभी तो तेरी मेरी जी भर के बातें भी नहीं हुई। अरे ये क्या बात हुई पप्पो, अभी आई है और अभी जा रही है? बस बेटा समझ ले किसी मुश्किल में फंस गए हम लोग। इससे मंगवा लेना रिक्शा, बाइक भी है इसके पास, ला देगा। कितना बदतमीज है, बड़े भाई से स्टोर में बात कर रहे है। बड़े भाई की हरकतें तो देख लो। क्यों बे, ऐसी क्या हरकतें देख ली तूने मेरी? बताऊं बताऊं अभी? फूफो मैं रिक्शा ले आता हूँ। मैं सदके जाऊं अम्मा, मेरे भाइयों की तमाम औलादों में एक ये शरीफ बेटा पैदा हुआ है। मैं बस रिक्शा लाता हूँ। शीरी अम्मा हो सकता है वो चीख बिल्ली की हो, क्योंकि देखना बिल्ली की दुम पे जब भी पैर पड़ जाता है वो इसी जनाना अंदाज में चीखती है। अम्मा आप बहुत मासूम हैं, आपको नहीं पता कि आपके दामाद कितनी बड़ी फिल्म हैं, समझ में आई? और मेरे दिल में शक बैठ गया और ये शक कोई नहीं निकाल सकता। अम्मा आ रहे रिक्शा, सबर कर लो। चुप हो जा तू, चुप हो जा तू।
اے تبریز، مرغا کھا کے آیا ہے ہیں؟ اے دانتوں میں خلال کر رہا ہے، کیا گوشت کے ریشے نکال رہا ہے؟ مرغا؟ ارے آپا جی، ایمان سے مونگ کی پتلی والی دال اور دو چپاتیاں کھا کے نکلا ہوں. ایک بات کہوں آپا جی، زندگی میں اب مزہ نہیں رہا بالکل بھی. جب میں نکل رہا تھا نا کھا کے، خدا کی قسم مجھے اکبر الہبادی کا ایک شعر یاد آ گیا. ذرا توجہ دیجیے گا آپا، کہ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک ہے اہل نظر. ایک رات ہی میں پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا. اے ہائے، اے زندگی ہے یا کسی کا انتظار. اے تبریز، میں تو یہ سوچ سوچ کے باولی ہو رہی ہوں کہ پارٹی کے لونڈوں نے گھر کا سامان باہر پھینک دیا تب کیا ہوگا؟ ارے آپا، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کاٹ کباڑ اگر لے بھی گئے تو کیا ہوا؟ رہا کھٹکانا چوری کا، دعا دیتا ہوں رحم ہوا. اے چپ کر جاؤ تبریز، یہ بلا وجہ کی شیر شاعری کرنے نہ بیٹھ جایا کرو. ارے میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ کوئی کھولی یا کوئی کمرہ ڈھونڈ لو. ارے باغلی ہوئی ہو کیا آپ؟ ایک جوان لڑکی کو لے کر کسی ارے غرے کے گھر میں گھسنا کاغذی خل مندی. دو چار دن مجھے سوچنے دو، اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ وہ کیا ہے، وہ وہاں پہ ایک ڈیڑھ ہفتہ کوئی ایدی سینٹر میں گزارا کر لیں گے. ہے؟ ہاں. کیا بکرا ہے؟ السلام علیکم. پیار بھرے دو شرمیلے نین، جن سے ملا میرے دل کو چین. جی یا جی 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 کتنی نقمگی ہے تمہاری جی میں، کتنا ترنو ہے تمہاری جی میں. جی تمہیں معلوم ہے تمہاری آنکھیں بولتی ہیں. میرا خیال ہے آپ کی دوا کا ٹائم ہو گیا، امی جان کو بلاتی ہوں میں. نہیں نہیں نہیں، اس بڑھیا کو مت بلانا. نہیں، وہ بڑھیا مجھے ٹوکتی ہے، مجھے بہت غصہ آتا. نہیں، آپ ڈانٹیں گی تو ہمیں برا نہیں لگے گا، ہمیں غصہ نہیں آیا. توبہ ہے، توبہ 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 توبہ. مولا آیا میری بگڑی بنانے کو. توبہ 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 توبہ. اے اے موٹے، ادھر. اے پل پلے، ادھر 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 ادھر. موٹے پوٹے پوٹے پوٹے، یہ موٹا موٹا مت کہا کریں، میری بہت ہٹ جاتی ہے بھائی. دوست نہیں ہے میرا تو. آئیڈیا آ رہا کہانی کا. کہانی وہ والی، وہ دو ہیروئن ہے، ایک ہیرو وہ ہیرو چبا ہوا تیر واپس لینے سے زخم اچھا نہیں ہوتا، چار آتا ہے دھن لوٹ کر چلا جاتا ہے، من کا چوٹ کچھ بھی نہیں چھوڑتا. شہید صاحب، ہیرو باری اسٹوڈیو جائیں گے، ایور نیو جائیں گے، میں پپو کہلاؤں گا، پپو لوگ مجھے پپو کہیں گے. پپو ہنسنا کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اچھا وہ مجھے چڑھا رہا ہے تو میں تجھے بھی چڑھاؤں گا. موٹا 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 موٹا. سوچ لیا میں نے، اپنی پہلی فلم آپ ہی کی زندگی پر بناؤں گا. پبلک ویسے یہ پاگلوں والے موضوعات کو نا بڑا پسند کرتی ہے. کیوں دادا؟ دادا دادا ہوگا تیرا باپ، دادا ہوگا تیرا نانا. پپو موٹا پل پلا، اللہ کرے تیری گرل فرینڈ تجھے گٹر میں دھکا دے رہے. موٹے 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 موٹے. آ جاؤ بھائی، زندگی برباد کر دی اس آدمی نے ہماری.
अम्मा बात सुनो, पैसा तो दियो। किस बात के पैसे? हाँ? क्या बात है? हम तुमको रक्षे में बिठा कर लाए, इसका पैसा कौन देगा? तो रक्षे का पैसा मांगना। अम्मा क्या कैसे कर रहा है? मोहल्ले वाले सारे मुझे देख रहे हैं कि मैं रिक्शे वाले के पैसे खा गई हूँ, हराम खोर की दरगाह। कितने पैसे हुए तेरे? 120 रुपया। 120 रुपया तूने रिक्शे में नाश्ता करवाया हमें? 60 रुपए बनते, 60 रुपए, 60 रुपए दे दे से। बात सुनाऊंगा, ये 60 रुपया भी अपना पास रखो। देख मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं वाकई 60 रुपए भी नहीं दूंगी। ऐसे ही मेरे हालात खराब चल रहे हैं, दिमाग सारा इधर निकाल दूंगी तेरे पे। ये ले यार, रख ले। पागल समझाओ, क्यों नहीं लेना? ना ले, सर पे क्यों चढ़े? आ जा आ जा। पता नहीं क्या दिमाग खराब किया है, मेरे को तो पागल करके रख दिया। इस आदमी ने दिमाग खराब कर दिया, मेरा दिमाग खराब होगा ना फिर। देख, अरे देखो, सहन में पड़े हुए सो रहे। अरे इरशाद, वो औरत की आवाज किसकी थी? बात सुनो, उठ जाओ, ये जगह सोने की। अम्मा ये तो उठ ही नहीं रहे, क्या हो गया अब्बा को? क्यों नहीं उठ रहे? अम्मा वो जो तुमने औरत की चीख सुनी थी ना, वो इन्हीं की चीख थी। इतनी जोर का करंट लगा कि इनकी आवाज ही बदल गई है। अम्मा अब्बा मर गए, सांस की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई। अम्मा चूड़ियां तोड़ो, चूड़ियां दीवार में चूड़ियां तोड़ो। अरे ड्रामों में औरतें जब बेवा होती है ना, चूड़ियां ही तोड़ती है सबसे पहले। चलो ए, तुम मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ, फेसबुक पे अपलोड करेंगे ताकि रिश्तेदारों को पता चले ना कि मर गए। चलो जल्दी वीडियो बनाओ, जल्दी बनाओ। अम्मा मेरी दोस्त नहीं है साइमा, उसने तो अपने अब्बा के मरने से 15 मिनट पहले ही वीडियो अपलोड कर दी थी और इतने कमेंट्स आए थे। वो जो डायरेक्टर नहीं है बरकत सिद्दीकी, उसने भी कमेंट किया था कि ये मौत वाला सीन तो मैं अपने ड्रामे में जरूर डालूंगा। चलो रेडी। हाँ हाँ रेडी तो हूँ, पर बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, अरे इनको किसकी बद्दुआ लग गई? किसकी क्या, तुम ही बस दुआएं देती थी कि अल्लाह करे करण लगे इसको, और तुमने तो ये भी कह दिया था कि अल्लाह करे जन्नुम रसीद हो। मैं बद्दुआ थोड़ी, मैं तो मजाक में कहती थी, कोई सच में थोड़ी कहती थी। हाँ मजाक करती थी। अच्छा चलो मैं वीडियो बना रहा, रो अब चलो। अस्तगफिरुल्लाह, अम्मा इतना डराना मुंह क्यों बना रही हो, आराम से रो। अरे थोड़ा स्टाइलिश रो। अरे बस बस, ज्यादा लंबी वीडियो करने की जरूरत नहीं, ड्रैग हो जाता है। चलो दो इधर। देख बात सुन, सारे रिश्तेदारों को एसएमएस जरूर कर देना। इरशाद अरे पहले वीडियो तो अपलोड करने दो, तो उसे जल्दी बता कैप्शन क्या लिखूं। कैप्शन हाँ तुम लिख दो कि इरशाद अहमद की यतीम बेवा। यतीम? अरे पागल, यतीम हुए हम, वो तो शहीद हुए हैं। शहीद कहाँ से हुए? अरे ऐसी नागहानी मौत में शहीदों में ही नाम आता है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई कह रहा हो फला आदमी करण लगने से शहीद हो गया। लो भाई कैप्शन हम ये लिखेंगे कि जाने वाले ने ये भी ना सोचा कि हम अकेले ही रह जाएंगे। अरे ये तो रूना लैला का गाना था, कमर्शियल सर्विस में आता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें ले। यकीन नहीं आ रहा इरशाद, तुम चले गए माशाल्लाह। होगी होगी, हाँ होगी, ला दो। लो भाई हो गई वीडियो अपलोड, हो गई हो गई हो गई। वैसे अब्बा हमें छोड़ के चले गए, हम अछूत हो गए अब्बा। पागल हो गए? अछूत नहीं हुए, यतीम हो गए हम। हाँ वही। नहीं नहीं बेटा, अछूत नहीं हुए, माशाल्लाह यतीम हुए हो तुम दोनों। चल बेटा। क्या हो गया? मुर्दा उड़ गया, अल्लाह मुर्दा उड़ गया, बचाओ। क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ गुजर गई क्या?
खबीस। क्या कहा? वैसे आप बावाजे बुलान डार्लिंग भी बोलती ना तो मैं बुरा नहीं मानता। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो थोड़ा पेट निकल आया ना, मैंने सोचा जरा सहन में आ जाओ, पेट वेट लगा लूं जरा कुछ। जरा लगाने से इतना बड़ा रकबा कम नहीं होगा। नहीं हुआ तो क्या हुआ, लिपो करवाऊंगा ना। साहिर लोधी इतना अगर साइज जीरो ना किया ना तो नाम बदल दीजिएगा। क्या बाहिर लोधी? जो भी हो क्या रहा है ये, इतने दिनों से सुन रहा हूँ डायरेक्टर बन रहा हूँ डायरेक्टर बन रहा हूँ, क्या हुआ? एक पार्टी फंस रहा हूँ, फंस गई ना तो डायरेक्ट फिल्म। और पता है मैंने तो सवा कमर से भी बात कर लिया है, अभी जो ड्रामा कर रहा हूँ ना उसमें साथ है मेरे। अच्छा कैसी है, मतलब इखलाक इखलाक की कैसी? ठीक है, बहुत अच्छी है, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। कह रही थी चीतो तू पहली फिल्म बनाएगा तो तेरी फिल्म में मुफ्त काम करूंगी। गलत फहमी हुई होगी तुझे, हाथी का होगा तो चीते की जगह। यार अब्बू यार ये नहीं यार, मतलब यार रिकॉर्ड लगाने की नहीं हो रही। अच्छा बात सुन, एक आइडिया है मेरे दिमाग में, मैं तुझे छप्पर में एग्रीमेंट मिलवा के देता हूँ, मुफ्त में काम करने का कह रही है ना, अब एक की जगह 10 लिख देंगे। शिकायत ऐसी डलवाऊंगा भाग नहीं सकेगी, भागी तो उसे पैसे देने पड़ जाएंगे बहुत। अशरफ है ना नामी ग्रामी वकील है मेरा दोस्त, ऐसे केसों का तो माहिर है। मैं ऐसे गंदे काम नहीं करूंगा, सभा कमर के साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तेरी मर्जी, मैं एडवाइस दे रहा था तुझे, छोड़ दे। एक काम करते हैं, ये बता के अपनी अम्मी का नाम बताना, हमें मिलवा दे यार, बड़ा दिल करता है मिलने का उनसे। कुछ नहीं ऐसी फैन परस्तार के तौर पे, और कुछ नहीं ईमान से। मिलवा तो दूंगा, पूछना पड़ेगा। पूछ ले यार, केक ले लेंगे फूल ले लेंगे, खुश हो जाएगी बेचारी। और कोशिश करना इतवार का दिन हो, छुट्टी होती है ना थोड़ा रिलैक्स होता है बंदा, चिल होता है उस दिन। ओ उसकी कितना ना वो जो तारीख रोड पर मिली थी लंबी नाक वाली, क्या नाम था उसका, दफा कर नाम भी क्या याद रखना, नफरत से मुंह फेर लिया, पता नहीं हमारे में क्या है। हाथ वात मिलाए, चाय शाय शरबत बरबत अपने हाथ से पिलाए, हैं पूछ ले, ये अम्मी को नहीं बताना है। हाँ इधर जाना था मुझे। अबा अरे क्या हो गया है, मनहूस किसी के मौत की खबर लाया है क्या? या अल्लाह मियां इस मालिक मकान को मौत दे दे, मैं तो 40-50 नफलें अदा करूंगी और 20-25 रुपए की कैश चीनी खिलाऊंगी बच्चों। अबा तुम क्या हो? ए औरत हूं और क्या हो? हाय मामू मुझे ना जुबली की ना हलवा पूरी खानी है, और हाँ अगर मालपुरा ताजा ना तो लेते आइएगा। इस कमबख्त को तो सिवाय खाने चाटने के और कुछ नहीं सूझता। अरे किसी काम को संजीदगी से लिया ही नहीं भाई, मैं तो थक गई हूँ ये छोटी मोटी चोरी चकारियों से। अरे आपा अब तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो बड़ी बुजुर्ग बन गई हो भाई है? तुम तो ऐसा करो कि इसे आस्थाना निषाद बना लो, लोबान की धुनी दो, हाथ में तस्वीर पकड़ो, सर पे दुपट्टा रखो, लोगों के मसायल हल करो, ठीक है ना। वो कमबख्त मारा लस्सी पीकर कहीं से आ रहा था, खून की उल्टी हुई और टाटा फिश। मैं मर गया क्या? अरे तो जब मैं टाए टाए फिश कर रहा हूँ कह रहा हूँ तो फिर ये बचकाना सवाल करने की क्या जरूरत थी? तो फिर ये समझ लो कि जब तक बेवा की इद्दत खत्म नहीं होगी हम यहाँ पर बचे हुए हैं। और मामू ये सोच लो अगर बेवा में जरा से भी तप्पड़ है तो उसे अपने निकाह में ले लो, अरे वैसे ही आजकल खूबसूरत बेवाओं का जमाना है। रुक जा आप, तुम जल्दी से जाके अपनी 40-50 नमाजों की मन्नत तो पूरी कर लो। मैं शायद नींद में थी, 5-6 को 40-50 कह गई। छोड़ो चल पढ़ लूंगी।
चलता है। तू मानिए मेरी OMG! What the hell? ये क्या मासियों की तरह बालों में फूल लगाया हुआ है? ये लो, उतार दिया। कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके? ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, फिल्म के ऑडिशन के लिए। शाहरुख, तुम ये क्या फिल्म के चक्कर में पड़ गए हो? सुबह 9 से 5 वाली नौकरी करो, फिर अच्छी सी लड़की देख के उससे शादी कर लेना। और प्लीज कोई ऐसी लड़की मत पटाना जो तुम्हारी ऐसे के तैसे कर दे। और मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हारी करीब की नज़र कमज़ोर है, जब भी तुम्हें मुझ में और उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। कभी गौर से देखो, उतना ही फ़र्क नज़र आएगा जितना एक आम वॉशिंग पाउडर और एक महंगे वॉशिंग पाउडर में होता है। इस बात का इतना परफेक्ट जवाब है ना मेरे दिमाग में, लेकिन अभी नहीं दूंगा क्योंकि मैं हो रहा हूं लेट। और हाँ, जिस दिन जवाब दूंगा ना उस दिन याद रखोगी कि शाहरुख ने जवाब दिया था। आज जुम्मा तो नहीं है, ये तुम कलफ लगे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो? और जब मैं कहती हूँ कि कलफ वाले कपड़े पहन लो तो तुम कहते हो पजामा संभाला नहीं जाता। मम्मी, वो दोस्त के अब्बू का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर, मरना तो सबको है। कैसे मरे? कैसे मरे? मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैंने मारा हूं? अच्छा, नहीं नहीं, उनकी ना शुगर बहुत हाई हो गई थी। शुगर तो अम्मा जान की भी बहुत हाई हो जाती है, उन्हें तो कुछ नहीं होता। खैर, मैं भी कितनी पागल औरत, तुम्हारी दादी को इंसानों से मिला रही। जा कहाँ रहे हो? वो अम्मी फेडरल भी एरिया तक। हाँ तो गुलबर्ग कौन से दूर है? सूजी का हलवा बनाया है, अब्बा जान को बहुत पसंद है, दे आओ, नाना जान खुश हो जाएंगे तुम्हारे। बस 2 मिनट में आती हूँ। लग रहा है आज नाना का 40वां है। यार बुरा लग रहा है, नाना अबू जिंदा है, अम्मी लेने गई उनके लिए सूजी का हलवा, कह रही थे रास्ते में दे रहा हूं उन्हें। वैसे 40वां नाना के बजाय दादा का भी कह सकता था, लेकिन नाना के 40वें में जो मजा है ना, ओह यार मेरी मान, ये बिरयानी का टंडा छोड़, हलवा ही ले जा, मुफ्त का है। नहीं 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 नहीं, बिरयानी भी और जर्दा भी, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। सुन,
उनसे भी मिलवाओ ना। मिलवाएंगे मिलवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले मेरा तो कुछ हो जाए, मेरी सेटिंग हो जाए। ओके बॉस। वैसे एक बात बताऊं, तेरे अंदर बड़े भाइयों वाली कोई डिसेंस ही नहीं है। फिर से बोल, फिर से बोल। ये जो अभी बोला, हाँ वैसे एक बात है, तेरे अंदर ना बड़े भाई वाली डिसेंस ही नहीं है। अब इसका मतलब पता क्या होती है? ये भाई हूं बड़ा। ये लो सीधे अब्बा जान के हाथ में थमाना, भाभियों भाभियों को मत दे देना। सुनो, अगर अम्मा अकेले में मिले तो उनसे पूछना वो शबाना बाजी वाला तावीज ले आई है, अगर ले आए तो ले आना रख के जेब, हिफाजत से लाना। तावीज? कौन सा तावीज? दादी को मरवा रही है ना आप? बहुत अच्छा। ये जो तुम्हें आजकल कॉमेडियां सूझ रही है ना, खबरदार जो अपने बाप के सामने तावीज का नाम भी लिया तो। ये तो आजकल जो जोड़ों का दर्द सलसल रहने लगा है ना, तो मैंने अम्मा से कहा कि तावीज ला दें। वैसे अम्मी एक बात नोट किया आपने, ये अबू आजकल सभा कमर के ड्रामे बहुत गौर से नहीं देख रहे? हाँ अबू की निगरानी करें आप, बहुत बिगाड़ रहे। मैं तो कहती हूँ ब्याह लाए उसे, या तुम्हारा बाप खुदकुशी कर लेगा या वो। इस घटिया जाहिलाना माहौल में जिस तरह मैंने गुजारा किया, या मैं जानती हूँ या मेरा खुदा, मेरे तो सब बहन भाई पढ़े लिखे थे, और मेरी अम्मा वो तो अपने वक्तों की इस कदर मकबूल शायरा थी, उनकी किताब नाला बुलबुल। नाला बुलबुल नहीं, नाला गुज्जर। कोई छछोरे मजाक करते रहते हो ना, ये कोई अच्छी बात नहीं। उस दिन मोबाइल फोन पर तुम अपने मामू को क्या तनखजूरा कह रहे थे? उस फितना साजिश ने सुन लिया और फौरन अपनी मां को लगाया, और मां एक नंबर की बीबीसी सीएनएन उसने फटाफट भाईजान को लगा दिया, और भाईजान मुझसे पूरे 2 महीने नाराज रहे, कहने लगे निग्घर ये तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की कि तुम्हारा बेटा अपने बड़े मामू जान को तनखजूरा कह रहा। अब तरबियत की बात तो रहने ही दे, उन्होंने अपने बच्चों की क्या तरबियत की देखी आपने? अनिला का बताऊं मैं, अनिला कॉलेज का बोलकर जाती है, डेटों पे जाती है, अल्लाह तौबा तौबा तौबा। अनिला की बात तो तुम छोड़ ही दो, जैसी माँ होगी बेटी तो उससे 2 हाथ आ गई होगी। जवानी में तुम्हारी मुमानी ने कोई कम गुल खिलाए थे? अच्छा है ना, गुल ही खिलाए थे सर, माहौल की आलोकी खत्म कर रही है ना फूल पौधे उगा के। यार एक तो तुम्हारी आउटडेटेड कॉमेडी ना। अच्छा सलमान तुम तो जाओ, मैं चलो। आमिर उठो, मुझे जाके पिसा हुआ धनिया और राई लाके दो हिसाब में, उठ जाओ। यार सुनो, कुकू को रोज रोज क्या ला के दे रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं, वो वैसी सौ सुपारी लाया था ना, तो वैसी मुरब्बतन दे दी मैं। नथिंग सीरियस है भाई, मुरब्बतन है, नथिंग सीरियस। मुरब्बतन दे दी थी? हीरो 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 भाग रहा भाग रहा, भागना हो जा, पकड़ 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 पानी जी पानी जी बात बहुत अच्छा लगता है इस उम्र में इस किस्म के गाने देखना। अच्छा लगता है, यही उम्र होती है, टीवी देखूंगा अम्मी जान, टीवी देखूंगा। ए खबरदार जो मुझे अम्मी जान कहा आपने, नहीं तो खुदा की कसम जबान खींच के देखता हुआ अंगारा रख दूंगी उस पे। जलता हुआ अंगारा रख दी जबान, जलता हुआ अंगारा अम्मी ने। हाँ सच, 100% सच। चलता है तू मानिए मेरी चुड़ैल, अभी बता चुड़ैल। क्या कर रहा है?
क्यों ना? क्या हुआ? हाँ। वो धो भी आया है बाहर। हाँ। कह रहा है पिछले हफ्ते गलती से वो अनबार साहब की बेगम की फूलदार कमीज दे गया था, आपने रख ली। अब इत्तफाकन उन्होंने आपको गली में वो कमीज पहने हुए देख लिया है। इसका मतलब है कि कमीज वापस कर दीजिए। आए ये तो पूरे जहान में क्या वो कपड़ा अनवार की रजील बीवी के लिए ही बट डिजाइन किया था? ए वो तो मेरी कमीज है, मैं तो ना दूंगी। जाओ। सलाम सलाम फूफो, सलाम फूफो, सलाम सलाम फूफो। इन्होंने आपको फूफो कहना शुरू कर दिया। कोई नहीं, तुझे ही कह रहे होंगे, मुझे तो अम्मी जान कहते हैं। क्यों? वो तस्नीम नन्नी काकी है क्या? उसे तो अब्बा जान बड़ा लड़की कह कह के मुखातिब करते हैं। और मैं क्या उससे बड़ी होंगी? मेरे ख्याल से तो मुझसे एक आध साल छोटी ही होंगी। वैसे भी इस घर में तो रिवायत है कि औरतें अपनी उम्र के मामले में डंडी मारती। बहरहाल नीचे आई और कमीज वापस कीजिए, धोबी बहुत बदतमीजी कर रहा है। क्यों मियां? महीना गुजरे तो बहुत दिन हो गए, माँ का खर्चा देते हुए जान निकलती है। ये 3 से 2 हजार? अम्मा इस दफा मेरे गाड़ी में बहुत पैसे ठुक गए, मैं अगली दफा 4 हजार करके दे दूंगा। तेरी बीवी ने पढ़ाई होगी पट्टी के, माँ का जेब खर्च बंद कर दे। अरे नहीं नहीं अम्मा, वो तो कह रही थी पहले अपनी अम्मा का करो बाद में मेरा। वो कहेंगी अरे ये आइडिया उसी बज़ात का है। ये बात तो आप मान ले मां जान कि मैंने पैसों के मामले में कभी डंडी नहीं मारी। मैं तो कहती हूँ भरो अपनी माँ को, मेरा मतलब है कि दिया करो अपनी माँ को, खिदमत करो अपनी माँ की। आखिर उसी ने तो ऐसी नादिर अजीबो गरीब मखलूक को तख्लीक किया है। इस औरत का जहर और तंज कभी खत्म नहीं हो सकता ना। मुझे तो हालात ने ऐसा बना दिया है अम्मा जान, वरना मैं तो बड़ी चुलबली नटखट नादान बारिशों तितलियों में रहने वाली गुम अदाकार नदीम के ख्वाब देखने वाली लड़की थी। अच्छा मैंने ख्वाब में सिवाय संतोष कुमार के कभी किसी हीरो को ना देखा, वो भी पता है कैसे? कि मैं महफिल मिलाद में जनाना हिस्से से पुलाव की ख्वाब देने आती हूँ और वो स्याह शेरवानी में हुस्न वजाहत के पैकर बने खड़े हैं। वो कहते हैं कि संजीदा बीबी लाइए मैं पुलाव की ख्वाब मर्दाने में दिए आता हूँ। चलिए फिलहाल आप नीचे आइए और आके धोबी से दो दो हाथ होइए, क्योंकि वो सहन में बैठा हुआ है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा, बदतमीजी किए जा रहा है। आए आ रही हूँ आ रही हूँ, जाओ यहाँ से। आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही? ये वाजिद की दुल्हन बहुत बादी पकाती है, जो भी पकाती है बादी पकाती है, इसी से तो मेरी ये हालत हुई है। खुदा के वास्ते उसको कहिएगा कि आलू बैंगन ना बनाए, इस कदर बदज़ायका आलू बैंगन बनाती है कि मुझे साजिद से अपने लिए चिकन टिक्का मंगवाना पड़ता है। अरे चिकन टिक्का? अम्मा का तो ना ला के खिलाया कभी चिकन टिक्का तुम लोगों ने। खैर बड़ी अच्छी तरह जानते हैं आपने भी अब्बा जान से बहुत अपनी फरमाइशें पूरी करवाई। भाई तेरे मुंह तो मैं लगना नहीं चाहती, तू तो बहुत ही बदतमीज औरत है। जाती हूँ, पर आप आइए और कमीज वापस कीजिए धोबी को। जान टीवी देखूंगा टीवी देखूंगा। टीवी देखेंगे ये, टीवी देखेंगे, ठहर मैं बताती हूँ, टीवी देखेंगे, टीवी देखेंगे, टीवी देखेंगे, मोती डाइन डाइन डाइन, टीवी देखेंगे, टीवी देखेंगे, टीवी देखेंगे, ठहर गया। आए 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 ए साजिद वाजिद, आए बचाओ, आए बचाओ, बड़ी वागी। हाय 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 ततिरो मैं बाठ निहारा।
आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। चल आ जा मेरे साथ, आ जा आ जा शाह। नाना की सालगिरह, मेरा मतलब है नाना का 40वां था, फातिहा दी थी तो सोचा आपने मुझे पहचाना, मैं वो नीली कमीज वाला सलमान ना। आपको याद है, शुक्रिया। हेला मुझे शर्म आ रही है, मैं सर दुपट्टा पहन गई। तुम शीरी फरहाद को जल्दी से संभालो। ये तो दो थे, एक उड़ गया। उड़ गया? हैला कैसे? ऐसे। सॉरी। कोई बात नहीं, घर वाले अपने घर को छोड़कर कहाँ जाते। अच्छा है, इस रोमांटिक मौसम में चूचे लड़ाएंगे, दो गाने गा लेंगे शीरी फरहाद। कोई बात, वापस आ जाएंगे, फिक्र मत करो। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना। बड़ी प्यारी आवाज है आपकी। और मैं अब क्या कहूं, तंज कर रहे हो? अल्लाह ना करे। तारीफ कर्ज होती है जनाब, जितनी जल्दी अदा कर दी जाए उतना बेहतर। आफत, अब मेरा मतलब है बहुत प्यारी हैं आप, आप में कोई अलग बात है, कुछ तो हटके। दादा के फाते पे कौन सी नियाज दी? बिरयानी और सूजी का हलवा। हाय, जर्दा होता तो मजा ही आ जाता। आपको जर्दा पसंद है? और नहीं तो क्या, जाओ तो जरा रशीद की दुकान से किलो डेढ़ किलो मीठा ले आओ। मीठे पे जान देती हूँ पर मीठे लड़कों का नहीं। मैं अभी लाया। पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। पायल में गीत है चम चम के। दो लाख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है चम चम के। भाई देखें, लड़का जो है ना वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, और हाँ भाई पैसा वैसा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर है खानदान से बाहर करूंगी। हाँ तो फिर ऐसे करूंगी ना। अच्छा अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा, चले जाइए बस मुलाकात। ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पे, 12 क्यों बज रहे? हीरो एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत, और सर एंड में दिखाया जाता है कि उस लड़की की शादी
हीरो के भाई से हो जाए। कहीं ऐसा ना हो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए, सबसे ज्यादा शौहर खाने वाली औरत। अक्सर गुलूकार मेरी ओरिजिनल फीमेल वॉइस से जलती है। माना हमें जा से। जवान बेवा है, अच्छा है बेवा से निकाह करोगे तो सवाब भी मिलेगा। जाइए जाइए, कीजिए अपने बेटे की शादी, और जब अपने बेटे के लिए वो लड़की ढूंढने निकले तो अपने लिए लड़की पुट्ठा ढूंढ लेना। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है जिंदगी बीवी के जैसी है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी, कितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है।